फ्लोरिडा के तट के साथ विशालकाय ग्रेट हैमरहेड्स के अनगिनत किस्से जुड़े हैं। वो शार्क्स जो ग्रेट व्हाइट जितनी बड़ी और 450 किलो से भी ज्यादा भारी होती हैं। पर मछुआरों की वो कहानियां सच के कितने करीब हैं? बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो, एक बड़ी हैमरहेड है पानी में, जल्दी। हैमरहेड्स की बहुत सारी प्रजातियां हैं और जहां तक शार्क्स के एवोल्यूशन का सवाल है, ये उस हिसाब से थोड़ी नई है। ग्रेट हैमरहेड्स कुछ दूसरी प्रजातियों से थोड़ी अलग हैं क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती हैं और वो साइज में बहुत बड़ी भी हो जाती हैं। ग्रेट हैमरहेड्स का अधिकतम साइज विज्ञान में बहुत समय से बहस का मुद्दा रहा है और पुरानी और नई साइटिंग्स भी इस सवाल का कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाई है। इसने इसे मेरे हाथ से छीन लिया। इससे जुड़े कई लोकल किस्से कहानियां हैं कि ये जानवर कितने बड़े हो सकते हैं। ओ, वो देखो कितनी बड़ी है ये। अब फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से शार्क साइंटिस्ट्स की एक टीम सबसे बड़ी हैमरहेड को ढूंढने के एक मिशन पर निकली है। ये बहुत जरूरी है कि हम उन बड़ी ग्रेट हैमरहेड्स को ढूंढें क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट और जबरदस्त शिकारी है। अपने अभियान के दौरान ये इन विशाल शार्क्स के माइग्रेशन रूट के एक हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जो फ्लोरिडा कीज के ब्रिजेस और बहामास के शार्क से भरे पानी के बीच है। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका सामना दुनिया की सबसे बड़ी हैमरहेड से हो। ये तेजी से ऊपर आ रही है। ओ, वो बहुत बड़ी है। ये एक मॉन्स्टर है। टीम अपने अभियान की शुरुआत फ्लोरिडा कीज से करती है। ये जगह जॉइंट हैमरहेड साइटिंग्स के लिए मशहूर है और ग्रेट हैमरहेड माइग्रेशन रूट की एक अहम लोकेशन है। साउथ फ्लोरिडा ग्रेट हैमरहेड्स के लिए जाना माना पपिंग ग्राउंड है और सीधी सी बात है, जहां पप्स हैं वहां उनकी मदर्स भी होंगी या कम से कम जन्म देने तो आएंगी ही, तो वो उनको ढूंढने के लिए अच्छी जगह है। ये एरिया बड़ी हैमरहेड शार्क्स के लिए मशहूर है। यहाँ कुछ बड़े पुल हैं जिनके नीचे से बहुत पानी बहता है, तो उनके यहाँ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। हम एक बड़ी हैमरहेड शार्क को पकड़ने के लिए ट्रेन हैं ताकि हम उन पर एक बायो लॉगर लगा सके। हम पहले ही छोटी और मीडियम साइज की शार्क्स को टैग करके जानकारी ले चुके हैं, पर अब हमें तलाश है बड़ी शार्क्स की। हमें ठीक से नहीं पता कि ग्रेट हैमरहेड्स का अधिकतम साइज कितना होता है, लेकिन उनको पकड़ना और नापना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसी शार्क्स भी देखी गई हैं जो 20 फुट से ज्यादा लंबी थी। अब ये सभी बातें कितनी सच हैं, ये हम नहीं जानते। इस ग्रेट हैमरहेड को एक शौकिया एंगलर ने फ्लोरिडा में पकड़ा था और ये आज तक की पूरी दुनिया में पकड़ी गई सबसे भारी और सबसे बड़ी ग्रेट हैमरहेड है। इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट किया गया था और इसके मिलने से बहुत फायदा हुआ क्योंकि इस साइज का ग्रेट हैमरहेड का स्पेसिमेन मिलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। ये उतनी ही बड़ी थी जितनी ये होती है। ये स्पेसिमेन 14.5 फुट लंबा है और इसका वजन 581 किलो था। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर इसमें 6 फुट और जोड़ दिए जाएं तो इसके वजन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कई हजार पाउंड्स, और इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक 6 फुट हैमरहेड का इकोलॉजिकल रोल एक 14 फुट हैमरहेड से बहुत अलग होगा। हमारा मकसद उन सबसे बड़े साइज रेंज वाले उन सबसे बड़े जानवरों तक पहुंचना है ताकि हम इकोसिस्टम में उनके रोल को समझ पाए। एक बड़ी हैमरहेड को पकड़ने के लिए टीम को सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि एक जायंट कहां छुपी हो सकती है। ये एक नीले समंदर में एक सुई ढूंढने जैसा होगा। ग्रेट हैमरहेड्स का पता लगाना दरअसल बहुत मुश्किल होता है, तो यानी और एरिन कुछ ब्रिजेस के आसपास स्कूबा डाइविंग करेंगे जहां हैमरहेड्स को देखा गया है, और कैंडिस और मैं कुछ बेटेड रिमोट अंडरवाटर वीडियो कैमरास ड्रॉप करने जाएंगे ताकि हमें उनके बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। हम ब्रिज के पास हैं, अब हम जाकर देखेंगे कि यहाँ पर खास तौर पर हैमरहेड्स हैं या नहीं, पर साथ ही हम ये भी देखेंगे कि शार्क्स की दूसरी प्रजातियां भी हैं या नहीं। यहाँ की विजिबिलिटी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, कभी कभी पानी गंदा होता है, पर उम्मीद है कि आज वैसा नहीं होगा। यहाँ पर टाइडल करंट्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हम ज्यादा देर नीचे पानी में नहीं रह सकते। स्ट्रांग टाइडल करंट्स की वजह से ये जगह अनसेफ है, खास तौर पर अगर विजिबिलिटी कम हो तो, जो कि ब्रिज के नीचे अक्सर होती है। तो हम नीचे जाएंगे, देखेंगे सब कैसा है, और अगर करंट बहुत तेज हुआ तो हम वापस ऊपर आ जाएंगे। हाँ,
ये ब्रिजेस बहुत अच्छी जगहें हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारा करंट फ्लो है और इस वजह से यहाँ बहुत सारी फिश इकट्ठी हो जाती हैं। इनमें टार्पन और स्पॉटेड ईगल रेज शामिल हैं जिनका शिकार हैमरहेड करती हैं। तो सभी शिकारियों की तरह हैमरहेड्स उन जगहों पर जाती हैं जहाँ शिकार मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है और इसलिए ये ब्रिज एरिया उनके लिए एक अच्छी जगह है। हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट्स में डाइव नहीं करेंगे क्योंकि ब्रिज के नीचे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम टकरा सकते हैं। शुरू में हैमरहेड सिर्फ कुछ फुट की होती हैं और फिर उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन बहुत बड़ी शार्क्स को ढूंढें क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि वो अपनी जिंदगी में एनर्जी को कैसे यूज करती हैं, उनकी स्पीड में और बिहेवियर में किस तरह के बदलाव आते हैं। यहाँ पे कुछ मछलियाँ तो नजर आ रही हैं। हाँ मुझे भी, पर वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जिस कारण से हम ग्रेट हैमरहेड्स को स्टडी करते हैं वो ये है कि वो बहुत खतरे में हैं। बहुत सी शार्क्स को उनके फिन्स के लिए पकड़ा जाता है जो शार्क फिन सूप में इस्तेमाल होते हैं, पर सबसे ज्यादा डिमांड ग्रेट हैमरहेड के फिन की है। इसका एक किलो 80,000 रुपए तक में बिक सकता है। तो ये ग्रेट हैमरहेड्स निशाने पर रहती हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये शानदार शिकारी समुद्र में दिखती रहे तो हमें इस सिलसिले को रोकना होगा। यानी और एरिन अभी ब्रिज पर चीजों को अपनी आंखों से चेक कर रहे हैं और हम यहाँ पर कुछ कैमरास लगाने वाले हैं, तो प्लान क्या है? हमारे पास इस तरह के 5 फ्रेम्स हैं और हम उनको यहाँ पर सीधी लाइन में लगाएंगे उन लोकेशंस पर जो डिसाइडेड नहीं है। हम इनको पानी में डालेंगे, फिर एक घंटे बाद वापस आएंगे और रीसेट करके दिन भर यही करेंगे। फिर उम्मीद है रात में जब हम वीडियो देखेंगे तो हमें एक हैमर हेड दिखेगी। ओह परफेक्ट, काफी सही लग रहा है, तो शुरू करते हैं। ब्रव या बेटेड रिमोट अंडर वाटर वीडियो स्टेशन हमारे लिए बहुत अच्छा टूल है, इसको डाल देते हैं। ओके। हम कुछ ब्रव यूनिट्स डालेंगे जिनसे ये साफ हो जाएगा कि ये हैमरहेड्स के लिए अच्छा स्पॉट है या फिर नहीं। राइट, गुड। यप। चलो। इससे ये पता चलेगा कि हमें लार्ज हैमरहेड के लिए कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। ऑलराइट। अब अगले की बारी। यहाँ बहुत सारी शार्क्स होती हैं। उम्मीद है कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ उम्मीद तो है। यहाँ विजिबिलिटी बहुत कम है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुझे बॉटम भी नहीं दिख रहा है। हाँ यहाँ पर पानी बहुत गंदा है, यहाँ तक कि अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी शार्क होगी तो वो भी हमें नजर नहीं आएगी। पानी में करंट भी बहुत तेज होता जा रहा है। एरिन मेरे हिसाब से यहाँ नीचे रुकने का और कोई फायदा नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, हमें ऊपर चलना चाहिए। हम पानी में पहुंचे, करंट बहुत स्ट्रांग था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि हम वहां पर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर आ गए। ये एक जाना माना शाकी स्पॉट है, यहाँ बड़ी हैमरहेड्स दिखती रहती हैं। सच कहूँ तो हो सकता है कि एक बड़ी हैमरहेड हमारे पास से गुजरी हो और हमें ना दिखी हो। देखा तुमने वो रे पानी से बाहर उछली थी। हम पानी में गए लेकिन विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, लगभग जीरो विजिबिलिटी थी, तो वहाँ अंडर वाटर सर्वे का कोई फायदा नहीं था। हालांकि जब हम वहाँ पर थे हमने जंपिंग ईगल रेज देखी, तो हम जानते हैं कि वहाँ पर शिकार तो हैं, तो हैमरहेड के होने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पर फिर से जाएं और एक बड़ी शार्क को ढूंढने की कोशिश करें। लगभग 2 घंटे बाद डेमियन और कैंडिस ब्रव्स को निकालने के लिए वापस आए हैं। चलो अब इनको ऊपर खींच लेते हैं। ओके। हम उन ब्रव्स को पानी में डालने का बोरिंग काम कर चुके थे, अब हम उन्हें बाहर निकालने के लिए आए हैं। अब आने वाला है। हाँ। गुड। कैमरा बचा कर। हाँ ये अभी भी ऑन है। ये वाला भी ऑन है। हाँ। अच्छी बात है। पीप। ऊपर खींचो। आ गया है। ये कौन सा नंबर है? ये आखिरी वाला है। ओह अच्छा। अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ। स्वीट। ठीक है नीचे रख दो। ठीक है अब वापस चलते हैं। हाँ चलो। ओके। ओह हैमरहेड हैमरहेड। डेमियन और कैंडिस को कई घंटों की अंडरवाटर फुटेज देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितने कामयाब रहे।
ब्रफ फुटेज में शार्क्स की कई प्रजातियां दिख रही हैं, जिसमें टाइगर शार्क्स और नर्स शार्क शामिल हैं। उस फुटेज को देखकर अच्छा लगा क्योंकि हमें काफी शार्क्स दिखी और उन शार्क्स में वो भी थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। ऐसा लगता है कि वो एक छोटी ग्रेट हैमरहेड है और जहां पप्स होते हैं वहां बड़ी फीमेल्स जन्म देने आती ही। शार्क्स में और बेशक हैमरहेड्स में भी दोनों सेक्सेस में फीमेल्स ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। इसकी वजह यह है कि फीमेल्स अपने यंग्स को जेस्टेट करती हैं, जिससे उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उन्हें अपने बच्चों को उठाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। एक बच्चे का दिखना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बड़ी शार्क्स वहां पर ना हो जहां ब्रव्स सेट किए गए थे, पर वो आसपास हो सकती है। अब जब हमें पता चल गया है कि वो जगह कौन सी है, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और इसको कहां रखना है? मैं मदद करता हूं। लाओ। इसके लिए दो लोग चाहिए। मुझे दे दो। सबसे पहले हम ब्रिजेस के नीचे फिश करने की कोशिश करेंगे, तो हम वैल और जैक के साथ एक बोट पर रहेंगे। हमारे पास शार्क्स और बड़ी शार्क्स की फिशिंग के लिए बहुत अनुभवी टीम है, तो अगर हमें एक शार्क मिली तो हम उसे टैग कर पाएंगे। बस मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हमें लंच तक एक मिल जाएगी। हमारे पास फिशिंग के लिए बस दो दिन है। हम ये पहले कर चुके हैं। हमारे पास हैमरहेड्स की स्पीड और एक्सेलरेशन से जुड़ा कोई खास डेटा मौजूद नहीं है। ये काफी नई चीज है, तो हमें जो भी डेटा सेट मिलेगा उससे हमें उस जानवर को समझने में और ज्यादा मदद मिलेगी और आसानी होगी। टैग्स तैयार हैं डिप्लॉयमेंट के लिए? हाँ, मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ जो हम लाए। दिखाओ ना। हमारे पास ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का कमाल है जो हैमरहेड के डॉर्सल फिन पे अटैच हो जाता है और हमारे लिए डेटा इकट्ठा करता है। जब शार्क तैरती है ये उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिज्म, डेप्थ और टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। हम वीडियो लॉगर में देख सकते हैं कि शार्क क्या देख रही है। बेशक इस तरह का टैग इतना ज्यादा डेटा कैप्चर करता है कि उसे दूर से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, तो इसे हमें खुद लाना होगा। यहाँ फ्लोरिडा में टीम का लक्ष्य रिकॉर्ड साइज्ड हैमरहेड शार्क पर एक बायो लॉगर लगाना है, पर मौसम खराब होने वाला है इसलिए इनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। तो ठीक है, चलो। तो फिर अब ड्रम लाइंस को पानी में डालना शुरू करते हैं। दो संभावित फिशिंग ग्राउंड्स की पहचान होने के बाद टीम बाहिया होंडा ब्रिज से शुरुआत करने का फैसला करती है, जहां यानिस और एरिन ने उनका शिकार देखा था। ड्रम लाइनिंग एक बहुत अच्छा सिस्टम है जब आप चाहते हैं कि एक जानवर लाइन पर कम से कम टाइम रहे। इसमें सरफेस पर मौजूद एक फ्लोट के साथ एक वेट जोड़ा जाता है और उससे काफी नीचे जाकर एक हुक लगा होता है, तो अगर एक शार्क उस हुक में फंस जाती है तो वो बड़े बड़े सर्कल्स में तैर सकती है। उसे तैरने से नहीं रोका जाता है और ये जानवर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। तैयार हो? जाओ। हम नहीं चाहते कि कोई भी जानवर उस लाइन पर ज्यादा देर रहे क्योंकि उससे वो परेशान हो जाते हैं। खुशकिस्मती से हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिसे हुक टाइमर कहते हैं। ये बताता है कि जानवर को हुक हुए कितना टाइम हुआ है। तो जब शार्क आएगी आप इसको खींच सकते हैं, पर ये तब तक पॉप नहीं करेगा जब तक काफी फोर्स नहीं होगी, और ये एक मैग्नेट है। ठीक है, अब फेंक दें। तैयार हो? रेडी मार्क। मार्क वेट अंदर है। टीम ने 8 ड्रम लाइन सेट की है और हर एक को 30 मिनट में चेक करती है। रुक जाओ, इंतजार करो। मार्क क्लियर। तो इसके बाद हम बाकियों को चेक करेंगे। ठीक है। क्योंकि उनमें से कुछ को यहाँ पर 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। अब ड्रम लाइंस को चेक करने का काम मेंटली और फिजिकली थकाने वाला है। मैं देख रही हूँ। बुई के पास जाना, बुई को उठाना, लाइंस खींचना, बेट चेक करना। बेट है लेकिन छुआ भी नहीं है, और वो सब फिर से करना। अगला वाला। बेट है, ठीक लग रहा है। बुई को पकड़ना, लाइन चेक करना, बेट चेक करना, फिर दोहराना। यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। और इतना कुछ करने के बाद भी कुछ ना मिले तो उसके लिए बहुत मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। वो सिलसिला दिन भर चलता रहा, उन ड्रम लाइंस को बार बार चेक करना। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें कोई शार्क मिलेगी और उस रूटीन से छुटकारा मिलेगा। वो बुई अजीब लग रहा है। सच में वो बुई अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है, नीचे चला गया है। हाँ, अच्छा साइन है, काम बन सकता है। कम ऑन शार्क्स। थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है यहाँ, शायद कुछ है। नर्स शार्क। फ्लोरिडा में जो स्पीशीज सबसे ज्यादा कॉमन है वो नर्स शार्क ही है।
पर अफसोस इनकी लाइन पर एक नर शार्क ही है। इस इलाके की इस जानी मानी शार्क से टीम को ज्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं मिल सकता है। हम थोड़े निराश हैं क्योंकि एक तो हमने कुछ और चाहा था और दूसरा इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। चलो कोई बात नहीं, अगले वाले को देखते हैं। देखते हैं। सब तैयार है? रेडी। बस एक मिनट। टीम 8 घंटों तक लाइंस चेक करती है पर कोई फायदा नहीं। भारी है क्या? हाँ थोड़ा सा। ये भी एक नर्स शार्क ही है। हाँ वही है। देखो ये भी नर्स शार्क। हाँ वही है। देखा? ये देखो ना। अब जरा अपना मुंह खोलो। हाँ। शाबाश। हमने बिहिया होंडा ब्रिज पे एक पूरा दिन बिताया है और हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है तो बस सनबर्न और दो नर्स शार्क्स। हैमरहेड्स रेयर होती हैं। क्या कर सकते हैं? अब हम वापस जाएंगे और कल कुछ और जगहें चेक करेंगे जो हमें रेकमेंड की गई हैं। हमारे पास मौसम खराब होने से पहले सिर्फ एक फिशिंग डे है, उसके बाद काम नहीं होगा, तो उम्मीद है कि हमें वहां कुछ मिल जाए। अगली सुबह टीम ने फिर से काम शुरू कर दिया और इन्हें जल्दी ही शार्क्स दिखने लगी। ठीक है, तैयार हो? हाँ। इस स्पॉट के बारे में हमें एक कॉलीग ने बताया था जो यहाँ शार्क्स और रेज की बहुत ज्यादा फिशिंग करते हैं और काफी हैमरहेड्स को पकड़ भी चुके हैं। आ रही है। उम्मीद तो है। ठीक है। टाइमर। हाँ ऊपर खींच लो। वो भी एक शार्क है। हाँ वही है। ओ ये तो एक ब्लैक टिप है। वो ब्लैक टिप है। ब्लैक टिप है। चलो इसे टैग करते हैं। कोई टेल रोप तैयार करेगा प्लीज? शार्क फिशिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे हम एक स्पीशीज को टारगेट कर रहे हों और दूसरी पकड़ी जाए तो हम उस जानवर का डेटा यूज कर सकते हैं। ये एक फीमेल है। ठीक है। और हम जेनेटिक सैंपल्स लेते हैं। मिल गया। सिर्फ एक छोटा सा फिन क्लिप हमें बहुत सारी जानकारी दे सकता है और हमारी स्टडी में बहुत हेल्प कर सकता है। जब हम एक शार्क को पकड़ते हैं हम एक पिट क्रू की तरह काम करते हैं। हमें फास्ट होना पड़ता है, सबको अपना काम पता होता है और हमें वो जल्दी करना होता है। बाइट से बचने और शार्क को शांत करने के लिए टीम उसे उल्टा कर देती है जिससे वो एक हिप्नोटाइज्ड स्टेट में चली जाती है जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं। शार्क्स बहुत ताकतवर होती हैं, तो अगर एक छोटी शार्क भी किसी को काट ले तो उसे बहुत जख्मी कर सकती है। ओके तैयार हो? मैं तैयार हूँ। BCL 95-4-109। कोई पैक्स को देखो। ठीक है। क्या मैं टेल को देखूं? हाँ जरूर। अब इसे डीहुक किया जाए। ओके। ठीक है। रेडी। टर्न। 1, 2, 3। ओके। ऑलराइट। ठीक है। ऑलराइट। शाबाश टीम। असल में शार्क्स की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें मैं जबरदस्त शिकारी मानता हूँ। मतलब वो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। ग्रेट हैमरहेड्स एक्सेप्शंस में से एक हो सकती हैं, खास तौर पर वो बड़ी अडल्ट्स और साथ ही वो शार्क किलर्स भी हैं। यानी ग्रेट हैमरहेड्स को दूसरी शार्क्स को खाना पसंद है, तो शार्क्स अक्सर उनकी डाइट का हिस्सा बन जाती है। ब्लैक टिप्स भी ग्रेट हैमरहेड्स के शिकार की लिस्ट में हो सकती है और जहाँ पर शिकार होता है वहाँ शिकारी भी हो सकता है। हर सर्दी में ग्रेट हैमरहेड्स साल के अपने सबसे बड़े शिकार का इंतजार करती हैं। हजारों ब्लैक टिप शार्क्स ज्यादा गर्म पानी की तलाश में फ्लोरिडा के तट पर आती हैं। बहुत ज्यादा संख्या और छिछला पानी, यही चीजें हैं जो उनको इस शातिर शिकारी से बचा सकते हैं। हमारे पास दो और हैं गाइस। दो और चांसेस, हमें सिर्फ एक चाहिए। ओ, ओ, ओ। वो वर्टिकल है, पास आ रही है। तुम्हें मिल गई? हाँ हाँ मिल गई है। okay. शाबाश। अच्छा है, अच्छा है, ऊपर आ रही है। काफी तेजी से ऊपर आ रही है, ये बड़ी हो सकती है। मुझे वहां पर एक शैडो दिख रही है लेकिन अभी तक शार्क नहीं दिखाई थी। काफी बड़ी है। हाँ वो काफी बड़ी ये है। एक मॉन्स्टर। ओह इसका साइज तो बहुत बड़ा है। ओह टाइगर है। ये टाइगर शार्क है। ये भी कम है। शार्क्स में बहुत ताकत होती है, वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। ओह ये उलझ गई है। रुको रुको, ये बुरी तरह से उलझ गई है। उसको स्पिन करना पड़ेगा। अपनी तरफ खींचो।
जब आप एक शार्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो भी पूरी ताकत लगाती है। आपको उससे मुकाबला करने के लिए पूरा दम लगाना पड़ता है। आपको उस लड़ाई के लिए फिजिकली तैयार रहना चाहिए। और सच कहूँ तो आपके हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके सामने मुकाबले में कई सौ किलो का जानवर होता है। हालांकि ये बहुत ड्रामेटिक लगता है, पर हम बहुत ध्यान देते हैं। ये बड़े जानवर बहुत बुरी तरीके से काट सकते हैं, तो कोई इनका शिकार नहीं बनना चाहता। तो हमारी दो प्रायोरिटीज होती हैं, हमारी और शार्क की, दोनों की सेफ्टी। हम उसे प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ठीक था, ये रैप हो चुकी है। हम उसकी ताकत से नहीं लड़ सकते हैं, तो हमें इन जानवरों को कंट्रोल में करने के लिए स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर हम अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनसे जरूर हार जाएंगे। ये ऊपर आने को तैयार नहीं है। खींचो, मैंने टेल पकड़ी है। पकड़ा? हाँ, पकड़ ली। ध्यान से खींचना मत। पकड़ लिया। हो गया। अब ये शांत हो जाएगी। इसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस शार्क को सरफेस पे लाए हैं, पर अब भी इसमें बहुत एनर्जी है और इसलिए ये बहुत एक्टिव है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर अब हमने इसे उल्टा कर दिया है, जिससे ये बेहोश सी हो गई है। तो अब ये टॉनिक इमोबिलिटी में चली जाएगी। इसमें कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन उसके बाद ये शांत हो जाएगी, उम्मीद तो है। शायद ये शांत हो रही है। हाँ, मेरी तरफ से ढीली पड़ गई है। ये धीरे धीरे शांत हो रही है। मुझे डीएनए टूल देना। ऐसा हर रोज नहीं होता कि आपका पाला एक 11-12 फुट लंबी टाइगर शार्क से पड़े। हाँ। या, हमें डीएनए सैंपल मिल गया है। हालांकि हम हैमर हेड्स को ढूंढ रहे थे, हमने जेनेटिक सैंपल्स इकट्ठे किए और मेजरमेंट्स ली। उससे हमें टाइगर शार्क्स और शार्क्स की दूसरी स्पीशीज को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। अब हम इसे छोड़ सकते हैं। अपनी एल्बो से खींचो। हाँ, हो गया। हटा दी। बस हो गया, शाबाश। टेल रोप हटा दो। हाँ, ये दूसरी तरफ तैर रही है। ठीक है, शॉट के लिए जा रही है। वो जा रही है। अब मौसम खराब हो रहा है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, अब कैमरा टैग्स निकालने का समय नहीं है। आज के लिए काफी हो गया है। हाँ, अब चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी एक और है। लाइन आ रही है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ है। बुई हिल रहा है। वो बुई बहुत सीधा है। हाँ। हो सकता है वो हो। तुमने उसकी पूरी बॉडी देखी? नहीं, बस एक झलक देखी। ओके। ओह, ये तो कुछ बड़ा है। ये पक्का एक हैमर हेड हो सकती है। अच्छा, ठीक है। ओह यस, हेलो डार्लिंग। वो तैर रही है, वो तैर रही है। ओके, अब खींच लो। 3 गुड। अभी भी है? नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। ओह नो। सच में? हाँ। टाइमर तो पूरा नहीं हुआ ना? 5 मिनट बता रहा है। अब कोई टेंशन नहीं है, चली गई है। शूट, चली गई है? और कोई बेट भी नहीं है और हुक भी नहीं है। हुक नहीं है। हाँ, देखो, सीधा हुक है। क्या बात है, इसको रिकॉर्ड जरूर कर लेना। सीधा है, सीधा और टूटा हुआ। देखो तो जरा। ओह वाओ, जरा इसके टिप को देखो। ऐसा कभी नहीं देखा है। जब हम लाइन को खींच रहे थे तो उसके एंड पर पक्का एक शार्क ही थी। लाइन सरफेस तक आ रही थी, जो हैमर हेड्स अक्सर करती हैं जब हुक में फंसती हैं। तो उस वक्त मुझे लगा था कि वही है, पर वहाँ पर जो भी था उसने हुक को तोड़ दिया और सीधा कर दिया। शायद कोई बहुत बड़ी चीज फंसी थी इसके एंड पर। वो हैमर हेड थी। अरे ये क्या हुआ? शायद दुनिया की सबसे बड़ी हैमर हेड थी। यकीनन वो बीस्ट थी, बहुत बड़ी थी। ये काफी बड़े स्टेनलेस स्टील के हुक्स होते हैं, तो इसको तोड़ना और सीधा कर देना किसी छोटे मोटे जानवर का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये आखिरी था। हाँ, ये हमारा लास्ट शॉट था। हमारे हाथ में आकर निकल गई। हमें इसे रखना होगा, चाहे हमें दुनिया की सबसे बड़ी शार्क ना मिले। आज का दिन यादगार है। तो आखिर हम उन हैमरहेड शार्क्स को तो नहीं पकड़ पाए जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, पर फील्ड वर्क में इस तरह की चीजें होती हैं। वैसे इस तरह की शार्क्स मुश्किल से ही दिखती हैं। हाँ, तो ये एक तरह का तुक्का होता है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर बहुत शार्क्स हैं, पर बात यह है कि जब तक वो टाइगर्स और नर्सेस को पीछे छोड़कर बेट तक नहीं पहुँचेंगी, तब तक हमें नहीं मिल पाएंगी। ये खेल कोशिश और किस्मत दोनों का है। आज हमने बहुत कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस टीम को फ्लोरिडा से खाली हाथ लौटना पड़ा, पर इनकी सबसे बड़ी ग्रेट हैमरहेड की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। हमें बिमिनी शार्क लैब से एक दिलचस्प जानकारी मिली है। वो जगह जहां से मैंने 20 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। असल में उन्होंने पिछले साल डाइव साइट पे अब तक की सबसे बड़ी हैमरहेड को देखा था, इसलिए वो चेक करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। हमें ग्रेट हैमरहेड्स के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि उनको स्टडी करना मुश्किल है। इसलिए डेटा इकट्ठा करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाया जाए और हम आखिर में कामयाब हो ही जाएंगे।
एक बात जो हमें हैमरहेड्स की मूवमेंट्स के बारे में पता है वो ये है कि वो फ्लोरिडा और बहामास के बीच आती जाती रहती हैं, और इसीलिए कहीं ज्यादा और कहीं कम होती हैं। शायद इसीलिए हमें यहाँ फ्लोरिडा में ज्यादा नहीं दिख रही हैं, क्योंकि शायद उनमें से कुछ बहामास चली गई हों, और अब हम भी वहीं जाने वाले हैं। तो पिछले साल लगभग इसी समय शार्क लैब का सामना उस सबसे बड़ी ग्रेट हैमरहेड से हुआ था जो रिकॉर्ड में भी है। उसके अलावा भी वो कई बड़े जानवरों को देख चुके हैं। किसी भी ग्रेट हैमरहेड शार्क को देखना शानदार होता है, उन्हें देखने का मजा ही कुछ और है। मैं बहामास से हूँ और अपनी होम कंट्री में काम करने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ का सारा पानी एक शार्क सेंचुरी है तो हमारे यहाँ पर शार्क्स बहुत बहुत सेफ हैं। बहामास शार्क्स के लिए और खासतौर पर हैमरहेड शार्क्स के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह है। ये टीम एक जायंट की साइटिंग के बारे में और जानने के लिए बिमिनी शार्क लैब के हेड से मिल रही है। हमने इस सीजन में शुरुआत जल्दी की है, अभी ये बस शुरू ही हो रहा है, तो हम पिछले कुछ हफ्तों से बस यही देख रहे हैं कि यहाँ कौन कौन है। शार्क लैब को यहाँ पर लगभग 30 साल हो चुके हैं। शार्क लैब के लिए हैमरहेड्स की स्टडी बाकियों से नहीं है, पर फिर भी शार्क लैब को उनकी स्टडी करते हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो हम तकरीबन 12 सालों से यहाँ पर इन इंडिविजुअल्स को पहचानने का काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आप लोगों ने पिछले साल एक बहुत बड़ी हैमरहेड देखी थी, मतलब आज तक की सबसे बड़ी। हाँ, हम बस अपनी नॉर्मल डाइव्स कर रहे थे और हमारे सामने 5 या 6 अलग हैमरहेड्स थी, और अचानक ही हमने एक बहुत बड़ी को पैक के बीच में से आते हुए देखा और वो उनके बीच में से आगे गई। उसके सामने वो सब नॉर्मल हैमरहेड्स काफी छोटी लग रही थी। हमारे पास क्वीन की कुछ फोटोज हैं जो सबसे बड़ी है और गाया के साथ है, और उसकी वजह से गाया एक एवरेज शार्क लग रही है, तो ये कमाल की बात है कि उसके सामने गाया इतनी छोटी शार्क लग रही थी। सुनके लगता है ये ग्रेट ग्रेट हैमरहेड। और शायद हम सिर्फ उस सबसेट को देख रहे हैं जो डाइव साइट पर है, तो हमें लगता है कि कुछ दूसरी रेजिडेंशियल्स भी हैं जो आइलैंड के आसपास अपनी नॉर्मल हंटिंग बिहेवियर दिखा रही हैं, जैसे स्टिंग रेज, ईगल रेज का पीछा करना। फोटो आईडी सिर्फ उनकी है जो यहाँ बिमिनी में उस प्रोविजनिंग डाइव साइट पर आती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास शार्क्स के दो ग्रुप्स हैं। आपके पास कुछ ऐसी हैं जो रेजिडेंशियल हैं और फीडिंग साइट के पास रहती हैं, और दूसरी जो आइलैंड पे ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं। तो हमें शायद दो ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए। हम में से आधे फीडिंग साइट पे जाएंगे और दूसरा ग्रुप बाकी जगहों पर डाइव करेगा बड़े इलाके में फैली हुई शार्क्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आप सब वहाँ पर जाओ, हम क्यों ना टर्टल रॉक्स की तरफ जाएं। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने 20 साल पहले बिमिनी में सबसे बड़ी हैमरहेड को देखा था। हम उन आइलैंड्स के पास से होते हुए फ्लैट्स वगैरह को चेक करेंगे, वो जगह है जहाँ उनके लिए बहुत खाना होता है। प्लान तो अच्छा लग रहा है, तो काम शुरू करते हैं। जरूरत की सब चीजें रख ली हैं। मास्क और स्नॉर्कल्स, स्नैक्स। वो तुम्हारा स्नॉर्कल नहीं है। हमारा प्लान दो ग्रुप्स में स्प्लिट होने का है। मैं और एरन डाइव साइट पर जाकर वहां डाइव करेंगे जहां पर उनको रेगुलरली ग्रेट हैमरहेड्स दिखती हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें सबसे बड़ी स्पीशीज और शायद क्वीन दिख जाएगी। दूसरी तरफ कैंडिस और डेमियन उन कुछ साइट्स पे जाएंगे जहां हमें पता है हैमरहेड के शिकार होते हैं, स्टिंग रेज और ईगल रेज। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि अगर आपको एक बड़े शिकारी को देखना है तो उस जगह पे जाइए जहां पर उस शिकारी का शिकार पाया जाता है। ओके, तो ये वो जगह है जहां 20 साल पहले मैंने अब तक की सबसे बड़ी हैमरहेड देखी थी। मैं वहां पर था, हमारी बोट चल रही थी और तभी हमें पानी से बाहर उछलती हुई एक ईगल रे दिखाई दी, और आमतौर पर वो बहुत ग्रेसफुल होती हैं, पर ये वाली बहुत डरी हुई थी। और फिर अचानक ही बहुत सारा पानी ऊपर उछला और मैंने एक शार्क की टेल को बाहर आते हुए देखा। और बेशक उस वक्त मैं 22 साल का ही था, मैंने मास्क और स्नॉर्कल लिया और मैं वो देखने के लिए पानी में कूद पड़ा। मैंने देखा ईगल रे नीचे है और तैर नहीं पा रही है, उसके विंग पर एक बहुत बड़ा बाइट है, और अचानक ही बोट पर सबने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने वो शोर सुना। मुझे हैमरहेड्स के बारे में ये नहीं पता था कि वो इतनी आक्रामक होती हैं। मैं नीचे देखता हूँ तो वो विशाल हैमरहेड नीचे से ऊपर आ रही है और उसका सिर चौड़ा चौड़ा और चौड़ा होता जा रहा है, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। खैर, मैं पीछे हटता हूँ लेकिन वो फिर से मुड़ती है, उसकी आंख मेरे बहुत पास से निकलती है, वो मुझे देखती है, और उसने मुझे अपने लिए खतरा बिल्कुल नहीं समझा, मुझे एक कंपेटिटर नहीं माना, और वो दूसरी तरफ चली गई और उसने मेरी आंखों के सामने उस ईगल रे को खा लिया। उसको देख पाना किसी के लिए भी एक बड़ी बात हो सकती है, तो किस्मत अच्छी हुई तो यहाँ भी हमें एक हैमरहेड दिखाई देगी, और अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो हम 20 सालों में दूसरा जैकपॉट हिट करेंगे और उसे फिर से शिकार करते हुए देखेंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ, तो चलो चलकर देखते हैं। चलो हो जाए।
जहां कैंडेस और डेमियन एक जायंट की तलाश में संभावित हंटिंग ग्राउंड में डाइव कर रहे हैं। यानिस और एरिन अभी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नर्स शार्क्स हैं। हमें यहाँ पर बैठे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और हमें सिर्फ 9 शार्क्स दिखी हैं, जो अच्छी बात है, पर हमें किसी और की तलाश है। अभी पानी आम दिनों से ज्यादा गर्म है और शार्क्स पानी के तापमान के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो शायद उन्हें ये गर्म पानी पसंद नहीं। हालांकि हम जानते हैं कि इस एरिया में बहुत हैमरहेड शार्क्स हैं, लेकिन उनको बोट तक लाना आसान काम नहीं है। पर हम फिर भी एक डाइव करेंगे, कुछ नर्स शार्क्स के साथ अपने गियर, लेजर्स, कैमरास को टेस्ट करेंगे जो इस एरिया में हमेशा होती हैं। मैट नीचे जाकर इन शार्क्स को बेट देंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो कुछ हैमरहेड्स भी जरूर आ जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी नर्स शार्क्स हैं, पर उनके अलावा और कुछ नहीं है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, करंट तेज हो रहा है, तो अब उम्मीद है कि कुछ शार्क्स यहाँ पे आ जाएंगी। यानीस के पास एक कैमरा होगा ताकि हम कुछ फोटोज ले सकें, और फिर मैं कुछ लेजर्स यूज करूंगी ये मेजर करने के लिए कि इनमें कुछ जानवर कितने बड़े हैं। मैं इस नर्स शार्क पे टेस्ट कर रही हूँ ताकि पता चल जाए लेजर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। वहां पर कुछ तैर रहा है, वो कुछ बहुत बड़ा है, लेकिन वो नर्स शार्क बिल्कुल नहीं है। वहां लेफ्ट की तरफ देखो, एक बड़ी शार्क आ रही है। हमें एक ग्रेट हैमरहेड मिल गई है, ये एक छोटा मेल है। हमारी शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन आखिरकार वो हमें दिख ही गई। आखिर हमारे सामने एक हैमरहेड है, ये सच में कमाल है। मैट बेट दे रहे हैं, मैट को शार्क्स की बेटिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। एरिन कुछ साइज एस्टिमेट्स लेने के लिए लेजर फोटोग्रामेट्री का इस्तेमाल करेंगी और मैं कुछ पिक्चर्स लूंगा, क्योंकि शार्क लैब एक फोटो आईडी रखती है जिससे शार्क्स को सिर्फ फोटोग्राफ से पहचाना जा सके। वो आ रही है, मैं मेजर करने की कोशिश करती हूँ। ये अचानक ही मुड़ गई है। लेजर फोटोग्रामेट्री की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो आपके सामने से सही तरीके से निकलनी चाहिए ताकि वो लेजर शार्क को परपेंडिकुलर होकर हिट करें, और इसीलिए हमें 2-4 बार कोशिश करनी पड़ती है। ये बहुत फुर्तीली होती हैं, कभी कभी अचानक ही मुड़ जाती हैं। उसको वहां वो नर्स शार्क पसंद नहीं आई। वो एक अच्छा पास था, इस बार अच्छी मेजरमेंट मिली है। ये हैमरहेड एटलस नाम का एक रेजिडेंट मेल है जो 11 फुट लंबा है। एक जॉइंट नहीं, पर ये संकेत है कि यहाँ और हो सकती है। वहां लेफ्ट में तो देखो जरा, क्या वो शार्क है? मुझे लग रहा है वो टाइगर है। साइड में स्ट्राइप्स देख रहे हो? हैमरहेड के जाते ही एक नई शार्क आ जाती है, एक टाइगर शार्क। मैंने पहले कभी शार्क को ऐसे डाइव करते हुए नहीं देखा, ये कमाल है। पर जितनी तेजी से वो टाइगर शार्क आती है, किसी चीज ने उसे डरा कर दूर भगा दिया। ये सभी शार्क्स दूर जा रही हैं। अब कोई शार्क नहीं है। जहां डाइव टीम एक जायंट का इंतजार कर रही है, वाइल्ड हंटिंग ग्राउंड्स में डॉक्टर डेमियन चैपमैन और कैंडिस फील्ड्स की तलाश जारी है, और इन्हें एक हैमरहेड बफे मिला है। एक जगह है जिसे मैं चेक करना चाहता हूं, जिसका नाम है हनीमून हार्बर। मैंने सुना है कि वहां बहुत सारी स्टिंगरेज मिलती हैं। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि वहां स्टिंगरेज का पीछा करती हुई कई ग्रेट हैमरहेड्स भी देखी गई। ये कमाल की जगह है, मैं ये साइट हमेशा देखना चाहता था। मुझे तब ये मौका नहीं मिला जब मैं बहुत साल पहले शार्क लैब का स्टाफ मेंबर था। ओ, इसने मुझे पिंच किया। तो बहामास की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक शार्क सेंचुरी नहीं है, बल्कि साथ ही यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है। मतलब देखो अपने आसपास। देखो, अगर तुम्हें किसी शिकारी को ढूंढना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके शिकार को ढूंढ लो। ग्रेट हैमरहेड्स स्टिंगरेज का शिकार करती हैं। मैंने सुना है वो डॉल्फिन्स को मारती हैं,
और वो दूसरी शार्क्स को भी खाती हैं, और इसीलिए ये फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। कमाल की जगह है, देखो कितनी सारी सदर्न स्टिंगरेज हैं। ये शार्क्स के करीबी रिश्तेदार हैं, लोग इन्हें फ्लैट शार्क्स कहते हैं। ये एक ही ग्रुप की हैं, इलास्मोब्रैंक्स हैं, और इनकी बहुत सी चीजें मिलती जुलती होती हैं। देखो यहाँ पर एक है जिसकी टेल है ही नहीं और एक बाइट का निशान है। ये कोई बड़ी शार्क बाइट नहीं है, पर फिर भी काफी नुकसान हुआ है। एक शार्क आसपास है, इसके लिए उसका दिखना जरूरी नहीं होता। तो ये इस बात का एक अच्छा सबूत है कि यहाँ की शार्क्स स्टिंगरेज का शिकार करती हैं। ये एक अच्छी बात है। कभी कभी जब हमें हैमरहेड्स दिखती हैं, तो हालांकि वो बड़ी शिकारी हैं, फिर भी उनके शरीर पर हमें स्टिंगरेज की वजह से बने कई निशान दिखते हैं। तो मतलब यहाँ इनके बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हैमरहेड ही जीतती होगी। हाँ बिल्कुल, और पता है रिकॉर्ड ये है कि एक हैमरहेड के मुंह से एक स्टिंगरे के 55 स्पाइंस मिले थे, और मैंने सुना है कि एक हैमरहेड के दिल में एक स्टिंगरे का स्पाइन था और वो फिर भी जिंदा थी, जो एक बहुत अजीब बात है। तो स्टिंगरे एक आसान शिकार नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने एक ग्रेट हैमरहेड को शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत कमाल की शिकारी होती हैं और हमेशा तैयार रहती हैं। दूसरी शार्क्स हंटिंग मोड में हमेशा नहीं रहती, लेकिन हैमरहेड्स हमेशा हंटिंग मोड में रहती हैं। मुझे लग रहा है कहीं मैं शिकार ना बन जाऊं, क्योंकि ये काफी भूखी फ्लैट शार्क्स हैं। चलो आइलैंड की कुछ और जगहों को चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, ठीक है। इस सबूत के साथ कि हाल में शिकार की कोशिश हुई थी, कैंडिस और डेमियन नई टेक्टिक्स के साथ नई लोकेशन पर जा रहे हैं। पर वहां डाइव साइट पर किसी चीज ने एक एडल्ट टाइगर शार्क को डराकर दूर भगा दिया। यहाँ कोई शार्क नहीं है, सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। उस सारे इंतजार के बाद सब कुछ अचानक हो गया। पहले हमें एक मेल दिखा जिसका नाम एटलस था, फिर हमें एक टाइगर शार्क दिखी। ये सारी शार्क्स दूर जा रही हैं। मुझे लग रहा है वहाँ पीछे कुछ है, कुछ दिख रहा है? अपने पीछे देखो, शायद वहाँ कुछ है। ये एक बहुत बड़ी ग्रेट हैमरहेड है। ये आई दूसरी ग्रेट हैमरहेड। ओह, ये एक फीमेल है और ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। वो आ रही है, मैं उसका मेजरमेंट लेने की कोशिश करूंगी। नहीं, वो मुड़ गई, एक और कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार अच्छे एंगल पे आ रही है। आखिरकार एरिन ने 13.1 फीट की मेजरमेंट ले ली है। इस शार्क का नाम है गाया, ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 18 इंच कम। वो भले ही दुनिया की सबसे बड़ी हैमरहेड नहीं थी, पर वो बेशक बड़ी थी, और यकीनन उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी जो हमने साउथ फ्लोरिडा वाली स्टडी में देखी थी। वाह, वो शार्क हमारे बहुत पास आ गई थी, वो देखा तुमने? वो पास आई और मुड़ गई। मुझे नहीं लगा था कि वो रुकेगी, पर एकदम आखिरी मिलीमीटर में मुड़ गई। ये उस दूसरी वाली से कहीं ज्यादा शांत है। कई बार गाया मेरे इतने पास आई कि मुझे झुकना पड़ा। उसे इतने पास देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस था। सच में मजा आ गया, पर अब एयर कम होने लगी है तो हमें ऊपर जाना शुरू करना चाहिए। एक शार्क बायोलॉजिस्ट होने के नाते इतने बड़े जानवरों को देखकर मुझमें एक उम्मीद जगती है, क्योंकि जाहिर है एक हेल्थी सिस्टम का साइन सिर्फ ये नहीं है कि आपको शार्क्स दिखें, बल्कि आपको बड़ी शार्क्स दिखें। अगर आपको सिर्फ छोटे जानवर दिख रहे हैं तो वो एक चेतावनी है। तो इन बड़ी लगभग अधिकतम साइज की शार्क्स का दिखना वाकई एक बहुत अच्छा साइन है। कई घंटे इंतजार करना ये जाने बिना कि आगे क्या होगा, और फिर 20 मिनट के अंदर दो हैमर्स को देखना, हमें आखिरकार इंतजार का फल मिल गया। हाँ, कमाल का नजारा था, दिल वाकई खुश हो गया। आइलैंड के दूसरी तरफ कैंडिस और डेमियन अपनी टैक्टिक्स को बदलते हुए एक ज्यादा हाईटेक अप्रोच अपना रहे हैं। हे कैंडिस, ये रेडी है? बस रेडी समझो। मेरा स्टाइल थोड़ा पुराना है, वही स्नॉर्कलिंग और डाइविंग करके शार्क्स को ढूंढना, पर कैंडिस एक जबरदस्त ड्रोन पायलट है। हम शार्क लैब के पीछे हैं। यहाँ बहुत सारी स्टिंगरेज हैं, यानी शिकार मौजूद है, और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी हैमरहेड दिखने की भी पूरी उम्मीद है। ये हो गया। तो तुम्हारे हिसाब से हम ड्रोन सर्वे से क्या कर सकते हैं? हम इस पूरे एरिया का सर्वे कर सकते हैं। तो जरा इसको टेक ऑफ के लिए पकड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, ड्रोन सर्वेज करने से हमारी रिसर्च को एक नई डायमेंशन मिलती है। जब आप पानी के नीचे होते हैं तो आपके ऊपर और आपके नीचे विजिबिलिटी की एक लिमिट होती है, लेकिन जब आपको एरियल व्यू मिलता है तो आप और अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।
पानी बहुत ज्यादा साफ है और नीचे सुंदर व्हाइट सैंड है। इस पर चीजों को देखना बहुत आसान हो जाता है। हम यहाँ बहामास में काफी लकी हैं। पानी इतना अच्छा और साफ है, आप सब कुछ अच्छे से देख सकते हैं, खासतौर पर जब मौसम अच्छा हो और पानी कांच जैसा हो। इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि आप कैमरा से इन जानवरों की इतनी अच्छी और साफ पिक्चर देख रहे हैं। इतनी ऊंचाई से भी पता चल रहा है कि कुछ तैर रहा है। और तुम अच्छा ड्रोन बहुत अच्छे से उड़ाती हो। शायद तुम्हें पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। आप अक्सर एक ट्रांसेक्ट सर्वे करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और उसमें बेसिकली दो पॉइंट्स सेट करते हैं, पॉइंट ए और बी, और आप अपना ड्रोन उनके बीच चलाते हैं और आप देख सकते हैं जानवर ड्रोन को देखकर कैसे रिस्पोंड करते हैं और आपको जानवरों के साइज का भी थोड़ा अंदाजा हो जाता है। पर साफ दिखने के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी की गहराई सही होनी चाहिए ताकि आपको लाइट की रिफ्रेक्शन ना मिले। तो इसीलिए कई बार ड्रोन इस्तेमाल करना काफी मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये साइंस के लिए एक बड़ा टूल होने वाला है। ओह, शायद वो एक टर्टल है। ओह, थोड़ा पास जाकर देखते हैं। तुम्हें लगता है उसे पता चल गया? हाँ, शायद पता चल गया क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। जब नीचे गया तेज हो गया। वो इधर उधर घूम रहा है। आप समझ सकते हैं एक एरिया में कितनी स्पीशीज हैं, क्या वो सब शार्क्स हैं या वो शार्क्स और उनके शिकार हैं। तो मुझे लग रहा है वो एक स्टिंग्रे है, कुछ ऐसी लग रही है, शायद एक सदर्न। ओ हाँ, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। वाह, क्या बात है। ओ, शायद यहाँ पर एक शार्क है। ओ, सच में? हाँ, ये शायद लेमन शार्क है। लेमन शार्क, ये भी स्टिंग्रेस का शिकार करती हैं, बिल्कुल हैमर हेड्स की तरह। तो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ हैमर हेड्स हो सकती हैं। वो लेमन शार्क इस वक्त उस सीग्रास पैच के पास है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये शिकार को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। इससे पता चलता है कि वो कहाँ पर रहना पसंद करती हैं। वो फ्लैट्स में हैं या गहरे पानी में हैं। मुझे यहाँ कोई हैमर हेड नहीं दिख रही है। थोड़ा और गहरे पानी की तरफ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। देखते हैं। ओ, वो क्या है? वो पक्का हैमर हेड। ये तो एक ग्रेट हैमर हेड है। क्या बात है, हमें मिल गई। अब बनी ना कुछ बात। सामने है, यही तो हमें चाहिए थी। इसी के लिए आए थे हम। क्या बात है, हमें हैमर हेड दिख गई। बहुत बड़ी नहीं है पर अच्छी है। तो हमें ड्रोन से एक हैमर हेड दिखी, पर बदकिस्मती से पानी की गहराई की वजह से हम इसका एग्जैक्ट साइज नहीं पता कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ी है, पर बेशक ये एक हैमर हेड है। हालांकि हम मेजरमेंट नहीं ले पाए, हमें खुशी है कि हमें वो मिल गई जिसे हम ढूंढ रहे थे। इनका मिलना आसान नहीं होता, यहाँ तक कि बिमिनी में भी कई बार मुश्किल से मिलती हैं। तो एक का भी मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में पहली बार देखा। तो बेशक ये एक ग्रेट हैमर है। क्या बात है, मजा आ गया। अब इसकी बैटरी लो हो रही है तो मैं वापस ला रही हूँ। आ रहा है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी हैमर हेड नहीं दिखी, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेडिशन फेल हो गया। हमें फिर भी अलग अलग स्पीशीज से बहुत कीमती डेटा मिला है। पहली बार शार्क को डाइव करते देखा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है या इस प्रोजेक्ट की शुरुआती स्टेजेस हैं, तो हम जानते हैं इसमें वक्त लगेगा। ये प्रोजेक्ट कई साल चलने वाला है। बहुत अच्छा लगा एक हेल्दी पॉपुलेशन और इन बड़े बड़े जानवरों को देखकर। सच कहूं तो मैं इन प्रजातियों पे काम करती हूं, पर फिर भी जब मैं उनको आमने सामने देखती हूं, मुझे याद आ जाता है कि इन लुप्त हो रही प्रजातियों को स्टडी करते रहना क्यों जरूरी है।